आम पार्टी का महागठबंधन से अलग हो जाने के बाद महागठबंधन को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। एक ओर जहां बिहार सरकार मंत्री संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 19 जून को वो सरकार से यानी कि महागठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लेगी। जहाँ एक तरफ महागठबंधन की सरकार विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही कई दल के जो नेता हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। इसी बीच खबर आती है कि संतोष सुमन जो हैं वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, जिसके बाद लगातार अब ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद हम पार्टी किसकी ओर जाएगी, क्या एनडीए में शामिल होगी और इससे गठबंधन को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम अब सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की तैयारी में है। पटना में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, उसके बाद 19 जून को पार्टी के नेता महामहिम राज्यपाल से मिलकर समर्थन वापस का पत्र सौंपेंगे। पार्टी के नेताओं का स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार के साथ रहने का अब कोई मतलब नहीं बचा, इसीलिए हमें दूर हो जाना चाहिए। कार्यकारिणी की बैठक में इसी विषय पर चर्चा होगी, तौर तरीके तय किए जाएंगे। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, बैठक में पार्टी इस पर मंथन करेगी, सभी विकल्पों पर पार्टी के नेता बारी बारी से विचार करेंगे। पार्टी हित और देश हित में कौन सा विकल्प अच्छा है, इसके अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा कि अकेले संघर्ष करें या किसी के साथ गठबंधन करके राजनीति करें। संतोष सुमन ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिल्ली जाने का भी प्रोग्राम है। संस्थापक संरक्षण और सुप्रीमो जीतन राम मांझी दिल्ली जाएंगे, उनके साथ संतोष सुमन भी मौजूद होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उनकी पार्टी थर्ड फ्रंट पर भी विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि हम संघर्ष करेंगे कि कोई भी विकल्प पार्टी के हित और राष्ट्रहित जनहित में हो उसे ही अपनाया जाएगा। तो जहां एक तरफ संतोष सुमन के इस्तीफा देने के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में ये जोर शोर से खबर चल रही है कि एनडीए में जीतन राम मांझी जो है वो शामिल हो सकते हैं, उनकी पार्टी जो है वो शामिल हो सकती है। वहीं 19 तारीख को नीतीश सरकार को अपना समर्थन वापस देने के लिए हम पार्टी जो है वो अपना पत्र जो है वो राज्यपाल के पास देगी। फिलहाल के लिए खबर मत माहे, अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।